अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैमूर मलिक है, मैं हेड ऑफ सेल्स ओमाना.com का। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। इस वीडियो का ये मकसद है कि हमारे बिजनेस पार्टनर्स जैन बिल्डर्स, उनकी केडिया जो प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन्स की डी मार्केट के अंदर लोकेटेड है, इसकी फाइनल छत की कंक्रीट पोरिंग जो है वो आज मुकम्मल हो जाएगी। हमारी टीम की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो वहाँ मौजूद हैं, उनके मार्केटिंग और डायरेक्टर मिस्टर अहमद साहब से एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगी, जिसमें उस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस वीडियो के अंदर और डेवलपमेंट अपडेट्स भी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैन बिल्डर्स के डायरेक्टर मार्केटिंग अहमद जुनेद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप हमें आर्केडिया का एक ओवरव्यू दें, हमें आर्केडिया के बारे में कुछ बताएं। आर्केडिया हमारा जैन बिल्डर्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट है एंड इट्स लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। इसका कवर्ड एरिया अराउंड 2.25 कनाल है एंड इट हैज गॉट ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर। तो वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन नवंबर 2019 और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन फरवरी वी आर कंप्लीटिंग द ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ आर्केडिया। ऑलराइट सर, इस प्रोजेक्ट में कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो आप किस तरीके से आप देखते हैं कि ये बिजनेस इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स के लिए और जो यहाँ पर रहना चाहते हैं उनके लिए क्या चीज़ें ये फैसिलिटेट करेगा, किस लिहाज से ये प्रोजेक्ट जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आप इस बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। माय द बेस्ट थिंग अबाउट गुलबर्ग इस्लामाबाद इज इट्स लोकेशन and with any investor who comes in who wants to buy any property here, a corporate company, may it be a shop, may it be a retailer, may it be a resident, so the advantage is that they are buying a property in Islamabad, that too which is nearest to zero point Islamabad as well. So Islamabad aapne dekha recent past mein it has expanded exponentially aur bahut grow kiya hai towards Rawat bhi aur Tarnaul bhi, but Gulbarg ko jo cheez differentiate karti hai its ki location ki. For us as Zan builders it was a very easy decision to come in and build a project here jisme hamare investors jo bhi hamare clients aayenge customers aayenge unke liye ek bahut achhi location a society which provides the best services utilities everything and their investment will be secure as well. सर, आप हमें बताएं कि आपने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके गुलबर्ग में चल रहे हैं और आपने लोकेशन के लिहाज से गुलबर्ग इस्लामाबाद को ही क्यों चूज़ किया? फॉर एनी इन्वेस्टर और अ कंस्ट्रक्शन ग्रुप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कर रहे हैं और अपने पार्टनर्स और कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट जहाँ करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ उसकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है। तो गुलबर्ग इस्लामाबाद हैज़ एन एडवांटेज, इट इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज इन इस्लामाबाद। It is the nearest to zero point Islamabad, which is actually from where we measure the distances across Islamabad. Thirdly, इसकी location आप देखें कि main GT road कितनी करीब है जहाँ पर नया ring road का project भी आ रहा है। आपका पिंडी की तरफ अगर आप जाएँ तो आपकी commercial market, आपका सदर, it's 15 minutes drive from here. So Gulbarg has an advantage which it from DHA, Behria, it is still by far the most ideal housing society in Islamabad. आपने ये भी देखा होगा कि जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है उस पर इट हैज़ बीन गिवन अ डेडिकेटेड इंटरचेंज और बहुत सारे अब तो बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी आ गए। तो जैन बिल्डर्स के लिए बड़ा एक आसान डिसीजन था टू कम एंड इन्वेस्ट इन गुलबर्ग स्टार। सर, अब आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने आर्केडिया के लिए गुलबर्ग के डी मार्केट्स को क्यों सेलेक्ट किया? हमारे यहाँ डी मार्केट्स जो है एक्चुअली वुड बी दी मार्केट्स ऑफ ऑल द हाउसिंग व्हिच विल बी बिल्ट अराउंड दिस। गुलबर्ग रेजिडेंशिया का जो सेंट्रल पॉइंट है इस डी मार्केट्स, इसके इर्द गिर्द तकरीबन 1 लाख के करीब घर बनेंगे जो कि प्लॉट्स की फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं और ये मेन मरकज़ होगा फॉर एवरीवन टू कम एंड गेट एनीथिंग फ्रॉम विद इन गुलबर्ग इस्लामाबाद। सो आर्केडिया हैज़ एन एडवांटेज कि ये एक तो सबसे बड़ा जो प्लॉट का स्ट्रक्चर है गुलबर्ग रेजिडेंशिया में 2.25 कनाल का, उसके ऊपर हमने ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेन बुलेवार्ड ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशिया और इसका एक और वी थॉट कि हमने अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसकी फ्रंट पे मेन बुलेवार्ड है और इसकी बैक पे मेन पार्किंग प्लाजा है। सो इट हैज़ अ वेरी आइडियल लोकेशन फॉर एनीवन टू कम एंड इन्वेस्ट। सर, अब आप हमें बताएं कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द डेवलपमेंट ऑफ आर्केडिया करंटली दैट्स गोइंग ऑन। हमारे सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि वी आर डिलीवरिंग टू द कमिटमेंट्स व्हिच वी हैव मेड टू आवर पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। हमने नवंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था एंड अगर आप कोरोना को काउंट करें कितना मेजर एक ग्लोबल टर्मोइल था, उसके बावजूद वी आर कंप्लीटिंग इट इन लाइक 1 ईयर 3 मंथ्स। हम इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। वी आर मोर एक्साइटेड टू शेयर दैट विद इन अनदर 3-4 मंथ्स वी विल बी गिविंग पोजीशंस ऑन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर एज वी मूव टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट।
और हमारा गोल है, वैसे तो ये 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है और हमारे पार्टनर्स को जो हमारे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किए हैं, हम उनको 3 ईयर पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हम इसको कंप्लीट करके अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज और शॉप्स के हवाले से कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपके उसको ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपके ख्याल में कौन से लोग इधर इन्वेस्ट करें और यहाँ पर उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर बिजनेस और फॉर एनी ऑफ दैट। हमारे वी हैव लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमारी शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर पे हमारे ऑफिसेज हैं एंड थर्ड फ्लोर पे आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट्स हम सोल्ड कर चुके हैं। हमारे पास सेकंड फ्लोर पे एक डेंटल क्लिनिक और एक मेंटल रिहाब क्लिनिक ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुका है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी मेडिकल कंपनी, मेडिकल लैब और एनी मेडिकल रिसर्च लेबॉरेटरी और समथिंग टू कम एंड ऑक्यूपाई दैट स्पेस। क्लिनिक्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन के 2-3 फर्म्स आ चुकी हैं हु वांट टू बिल्ड देयर ऑफिसेज हियर। और उसके अलावा ये भी है कि हम छोटे ब्रांच को जिसमें आपके यूटिलिटीज़ जो आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो लोग भी ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं, तो द पेस इज़ वेरी गुड। सो वी हैव अ टारगेट कि इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्दी ऑक्यूपाई करवा के, आबाद करा के हम इसको आगे भी सबलेट करें और रेंट आउट भी करें इंशाल्लाह। सो बेसिकली यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि रेजिडेंट्स इन्वेस्टर्स दे लुक फॉरवर्ड टू, के वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, शॉपिंग मॉल सेंटर सब कुछ मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सब मौजूद है। माया बिल्कुल मौजूद है और हम अपने प्लाजे में भी इस तरह की अच्छी प्रॉमिसिंग चीज़ें डिलीवर करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। जैसे कि आपने डिटेल में अहमद साहब और मिस मारिया की कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, आर्केडिया जो डी मार्केट के अंदर लोकेटेड है बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लस ऑफिसेज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं इसकी बुकिंग के हवाले से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो। कॉमेंट करें अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ पसंद हैं। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।